ऐसी मछलियों की। ओह यस, मैं हूं मोहम्मद उसामा और मेरे साथ है महनूर उसामा। सूखी रोटी बेच ले, तीन डब्बा बेच ले। तो ये हमारे ब्लॉग में बाहर से एक अंकल साहब हैं, गुजर रहे हैं, तीन डब्बे बेच रहे हैं। हमने कहा चलो इनकी भी एंजॉय करें ऑडियंस हमारी ना, इनकी भी अपना सदा सुने। खैर वो तो चला गया, बाइकिंग का शौक था। बार बार दोबारा चुप। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद उसामा और मेरे साथ है महनूर उसामा। आज हम जा रहे हैं अपने पहले ट्रैवल ब्लॉग पे, मुल्तान में जाएंगे अभी बागात की साइड पे। तो मुझे तो बचपन से ही खैर बाइकिंग का शौक था, तो महनूर को भी मेरे साथ शौक पड़ गया, तो हमने सोचा क्यों ना हम संडे को इकट्ठे जाया करें एक ब्लॉग पे। अभी निकलते हैं, चलते हैं एक ब्लॉग पे, आपको दिखाते हैं मुल्तान के खूबसूरत तरीन बागात, लैंडस्केप्स और रोड साइड सीनरी जो है वो आपको इन्जॉय करवाते हैं। ये हमारी बाइक है, हाई स्पीड वालों की है, 200 cc क्रूज बाइक है, तो बड़ी ही कंफर्टेबल चीज़ है, कम पैसों में ज़बरदस्त ये एक सवारी है। तो इसी पे इंशाल्लाह आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। ये हमने मोबाइल को माउंट करना है हेलमेट की चीन पे, जिस तरह ब्लॉगर्स ने किया होता है, उनके पास तो प्रोफेशनल पिन होल्डर होता है, मैंने भी ऑर्डर किया है, वो चाइना से आएगा, 15-20 दिन लग जाएंगे। तो हम जो है ना ये कागज़ और टिशू के साथ जो टेप के साथ जुगाड़ लगाएंगे आज, इसको ऐसे टिशू रख देंगे ताकि मोबाइल पे खराशी ना, क्योंकि मैं मोबाइल का आगे कुछ भी नहीं लगा, जनरल कंडीशन में। तो इस पेंटल सेट करने के लिए मैं पकड़ू कागज़ रखा है, इस तरह करके इसको हमें कर देना टेप। और ये जी पाकिस्तानी बंदों का जुगाड़, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। गोप्रो अभी हमने लिया नहीं, क्योंकि 70-75 हज़ार का आता है, तो भाई जो जेब में मोबाइल उसी से काम चलाओ, जब पैसे आएंगे गोप्रो भी ले लिया जाएगा। टेप आपने अच्छी तरह लगा लेनी है, आप अपना ही लगाएं, बस किसी और का ना लगवाएं, अगर गिर गया तो। हाँ ये भी है, मोबाइल भी अपना ही होना चाहिए। अच्छी तरह इसको रैप कर लेना है, ताकि ब्लॉग के चक्करों में जो आपका ब्लॉग बना, मोबाइल का ब्लॉग। देखें जी ये एक प्रॉपर हमारा गोप्रो स्टाइल जो है हेलमेट तैयार हो गया है, गोप्रो स्टाइल 100% प्रोफेशनल हीरो 7 स्टाइल, देसी स्टाइल। ओके, अगर आपके पास कैंची ना हो कुछ ना हो तो ये कर लो। चलो कैसे बनाएंगे वीडियो, ये हमारा जो है वीडियो मेकर है, माउंट है, किसी गोप्रो होल्डर है, ठीक है, और ये इस तरह वीडियो बनेगी, ठीक है, लगेगा नहीं मोबाइल, ठीक है, मूवी हम शादी वगैरह में भी इसी से बना लें। अच्छा यार मैं देखना ही जा रहा हूँ, अब अच्छा ये बिल्कुल अंदर सीधे ऐसे आप देखे जाएं, आप देखें वहाँ रोड हो गए, चलो जी चलें। सबसे खूबसूरत रोड यही लगता है, इससे प्यारा रोड मुल्तान में नहीं है।
450 का डालेंगे। खुदाई की हुई है ट्रैक्टर ने, रोड बन रहा है ना, मतलब उखाड़ा हुआ रोड सारा। कैसे-कैसे रास्ता से ट्रैवलिंग तो फिर ऐसे ही है ना, ट्रैवलिंग कोई फूलों की सेज थोड़ी है, कोई मखमल का कम बेड तो नहीं है ना। उतनी यादगार होगी ये बात, 100% सही डॉक्टर साहब। ये ट्रैवलिंग में जितनी हार्डशिप्स होंगी उतना ही वो ट्रैवल जो है ना आपका यादगार रहेगा और उतना ही वो एडवेंचरस होगा, इंजॉयबल होता है। एग्जैक्टली। दें जी, अब हम बागात वाले ही एरिया में, मतलब यहाँ हर साइड में बागात ही बागात हैं, आबादी कम है, उस एरिया एंटर हो गए हैं। यहाँ से हमने राइट ऑन है, ये देखें क्या खूबसूरत नज़ारा है, क्या कुदरत है यहाँ। ये मतलब नए लगा रहे हैं या पहले से लगे हुए खजूरों के जो पौधे हैं, सोसाइटी बन रही है ना उसकी मार्जिन लाइन लग रही है। कबूतर भी लग रहे हैं, कितने प्यारे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? ये बेच रहे हैं ये वैसे ही हवाखोरी के लिए? एक दो नहीं देने, कितनी तादाद है? 150 है। हम इधर से थोड़ा, अच्छा बेचने हैं तो पूरा सेट ही बेचना है, इसकी क्या वजह है? इसकी क्या वजह है? हाँ जी, मेहनत से इकट्ठा किया है।
ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਲੱਕੇ ਕਬੂਤਰ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਹੈਗੇ ਅੱਛਾ ਇਹ ਉੱਡਣ ਵਾਲੇ ਦੂਸਰੇ ਆ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਚਲੋ ਠੀਕ ਡੇਢ ਸੌ ਆ ਇੱਕ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੀ ਆ ਕਿਤਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਹਮੇ ਦੇਖ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੀ ਮੈਂ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਬੰਦਾ ਹੂੰ ਮੈਂ ਅਕਤੂਬਰ ਨਵੰਬਰ ਦਸੰਬਰ ਜਨਵਰੀ ਫਰਵਰੀ ਪਾਂਚ ਮਾਹ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੂੰ ਪਰਿੰਦੋਂ ਕਾ ਏਅਰਗਨ ਸੇ ਤੋ ਇੱਧਰ ਸੇ ਗਾਰਡਨ ਟਾਊਨ ਸੇ ਆਏ ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ 2000 ਕਾ ਕਬੂਤਰ ਇਸਕੀ ਕਿਆ ਵਜ੍ਹਾ ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹੈ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਤੋ ਸਹੀ ਹੈ ਅਗਰ ਬਾਜ਼ੀ ਜਿੱਤੇ ਹੈ ਫਿਰ ਤੋ ਠੀਕ ਹੈ ਉਨਕਾ ਕਿਆ ਸੀਨ ਹੈ ਚਲੋ ਫਿਰ ਕਭੀ ਦਿਨ ਸਹੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗ ਰਹੇ ਅੱਛਾ ਉੱਡ ਜਾਏਗਾ ਤੂੰ ਭਾਗ ਜਾਏਗਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਇੱਧਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਧੇ ਚਲੋ ਯਾਰ ਉਹ ਰੋਡ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ ਇਹ ਰੋਡ ਕਿਸ ਰੋਡ 'ਤੇ ਲਿਆ ਆਇਆ ਚਾਵਲ ਖਾ ਰਹੇ ਲੋਕ ਦੇਖ ਖੁੱਲੀ ਹੋਈ ਬਸ ਆਪਣੇ ਘੰਟਾ ਡੇਢ ਆਉਣੇ ਜਾਣੇ ਮੈਂ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਬਸ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ ਯਾਰ ਯਹਾਂ ਪੇ ਕੋਈ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸਬਜ਼ੀ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗੇਗੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਯਹਾਂ ਪੇ ਰੇਵੜ ਹੈ ਇਸਕੋ ਪੰਜਾਬੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਜੜ ਇਹ ਬੱਕਰੀਓ ਕਾ ਇੱਜੜ ਹੈ ਸਕੂਨ ਵਾਲਾ ਰੂਟ ਹੈ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਇੰਤਹਾਈ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਜ਼ਾਰੇ ਹੈ ਜੀ ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਹੈ ਠੰਡੀ ਹਵਾਏ ਹੈ ਮੱਟੀ ਕੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੈ ਮੱਟੀ ਕਾ ਅਰੋਮਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਆਤਾ ਹੈ ਜਬ ਪਾਣੀ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਮੇ ਹਲ ਚਲਾਇਆ ਹੋਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਜ਼ਮੀਨ ਮੇ ਹਲ ਚਲਾਇਆ ਹੋਤਾ ਹੈ ਨਾ ਜਬ ਉਸਕੋ ਪਾਣੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਸਮੈਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਬਸ ਅਰਥਨੈਸ ਅਰਥਨੈਸ ਫੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਾਂ ਉਹ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਹੈ ਅਭੀ ਆਏਗਾ ਤੋ ਅਭੀ ਤੱਕ ਤੋ ਨਹੀਂ ਖੈਰ ਆਇਆ ਅਗਰ ਆਇਆ ਤੋ ਫਿਰ ਹਮ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰ ਪਾਏਗੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਦਰਖਤ ਹੀ ਦਰਖਤ ਹੈ ਪੌਦੇ ਪੌਦੇ ਹੈ ਹੈਂ ਅੱਜ ਆਪਨੇ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਅੱਲਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਭੈਂਸ ਕੇ ਉੱਪਰ ਤੋ ਕੌਆ ਕਮੀਨਾ ਭੈਂਸ ਕੋ ਜ਼ਖਮ ਹੁਆ ਹੋ ਨਾ ਚੋਂਚੇ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਭੈਂਸ ਵਿਚਾਰੀ ਉਡਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਬੜਾ ਖਬੀਸ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਕੌਆ ਸਾਰਾ ਜ਼ਖਮ ਉਸਕਾ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸਕੋ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੇ ਮੁਝੇ ਨਹੀਂ ਉਡਾਣਾ ਇਸ ਲਈ ਉਸਕੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪਕੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਭੈਂਸ ਸਾਹਮਣੇ ਦਰਾਇ ਚਨਾਬ ਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਸ਼ੋਰਟਕੱਟ ਥਾ ਹਮੇ ਹਮਾਰੇ ਛੋਟੇ ਕਜ਼ਨ ਨੇ ਬਤਾਇਆ ਕਿ ਦਰਾਇ ਚਨਾਬ ਅਗਰ ਦੇਖਣਾ ਤੋ ਇਸ
ओए बड़ा खूबसूरत जगह है महनूर यहाँ। तो मैंने नीचे जाना है, उधर नहीं जाना। हो गया नहीं तो ऐसी मछलियों की। ओह यस स्टार्ट हो गई यार। ये क्या तरीका, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, मजा है ये। हाँ चलेगा, 1-5 है। Yeah,